हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं उम्मीद और आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पोल्ट्री नॉलेज पे स्वागत है। तो दोस्त, आज पोल्ट्री में मेरा 33वां दिन चल रहा है, डे 33। तो इस 33वां दिन में मैं क्या मैनेजमेंट कर रहा हूँ और क्या मेडिटेशन मैं कर रहा हूँ, ये बताने वाला हूँ इस वीडियो पर। और दोस्त, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मेरा जो बर्ड्स है वो ओवर ग्रोथ है, मतलब 33वां दिन के हिसाब से जितना वेट हमको चाहिए तो उससे ज़्यादा है। तो इसलिए मैं कुछ मेडिटेशन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, बल्कि वाटर सैनिटाइजर के सिवा सिर्फ वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी। क्योंकि अभी इस टाइम में कुछ अगर विटामिन, वैसे भी तो ओवर ग्रोथ है, तो इस टाइम को मैं अगर कुछ विटामिन वगैरह इस्तेमाल करूँगा तो इससे परेशानी का बात आ सकता है, मतलब चिक्स का लूज ड्रॉपिंग या तो फिर उसका ठंड आ सकता है। तो इस टाइम पर आपको सिर्फ और सिर्फ चिक्स का साउंड और बीट पर ज़्यादा करके ध्यान देना है, मतलब चिक्स जो है वो बीट कैसा कर रहा है। अगर बीट पतला कर रहा है तो आप डाइजेस्ट प्लस कुछ दीजिए, क्योंकि अभी इस टाइम को चिक्स फीड इंटेक ज़्यादा करता है। तो अभी इस मामले में अगर लूज ड्रॉपिंग या तो फिर फीड ड्रॉपिंग कुछ करेगा तो इससे आपका FCR का थोड़ा बढ़ोतरी हो सकता है। तो आपको पता है कि ये बिजनेस है पूरा FCR के ऊपर टिका हुआ है। FCR अगर बढ़ जाएगा तो उससे आपको ज़्यादा पेमेंट नहीं मिलने वाला है। एक सक्सेस पोल्ट्री फार्मिंग के लिए आपको FCR के ऊपर ज़्यादा करके ध्यान देना चाहिए। मतलब आप ये देखेंगे कि बीट पे साथ अगर आपका फीड आ रहा है तो इसके मामले में आपको डाइजेस्ट प्लस सिर्फ देना है, ना तो कोई विटामिन। अगर विटामिन आप देना चाहते हैं तो इस टाइम में मत दीजिए, आप 33 दिन के पहले दे दीजिए, क्योंकि 33 दिन के बाद अगर आप विटामिन इस्तेमाल करेंगे तो इससे चिक्स में ठंड भी आ सकता है। तो इस उम्र में अगर ठंड आएगा तो आपको ये भी पता होना कि अगर CRD आ गया उसके साथ तो इसमें भारी नुकसान हो जाएगा। मतलब जो है रहने दीजिए, जस्ट वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए और बीट पे ऊपर ज़्यादा करके ध्यान दीजिए। बीट अगर लूज ड्रॉपिंग कर रहा है तो आप वाटर सैनिटाइजर को चेंज करके उसको दे सकते, और आप डाइजेस्ट प्लस कुछ इस्तेमाल कीजिए, जाके उसका जो मतलब जो जितना फीड इंटेक कर रहा है उतना हिसाब से वो मीट दे। अगर मान लीजिए कि आपका चिक्स लूज ड्रॉपिंग कर रहा है तो इससे क्या हो जाएगा, आपका जो फीड मतलब प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है तो इसका कारण से उसका लूज ड्रॉपिंग हो रहा है। मान लीजिए कि 1000 के बाट के हिसाब से अगर 2 पैकेट आपका फीड इनटेक कर रहा है तो उतने हिसाब से वो मीट नहीं देगा, लूज ड्रॉपिंग करके निकल देगा। तो इससे आपका जो FCR मतलब बढ़ना है तो बढ़ जाता है। तो इससे जो पोल्ट्री बिजनेस है ये थोड़ा नुकसान में चला जाता है। और इस उम्र में मतलब विंटर का सीज़न में आप अगर विटामिन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 30 दिन के पहले विटामिन का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि 30 दिन के बाद अगर विटामिन कुछ इस्तेमाल करेंगे तो इसके साथ साथ आपका कोल्ड डिजीज़ या फिर ठंड मतलब चिक्स में आ सकता है। तो इसका कारण से चिक्स में सडनली कुछ बड़ा बीमारी CRD या फिर CCRD आ सकता है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को ये बताऊंगा कि जैसे ही आपका चीक्स अगर बड़ा हो गया, मतलब 32-33 दिन का हो गया, तो आप विटामिन का इस्तेमाल मत कीजिए, जस्ट वाटर सैनिटाइजर चेंज करके आप पिला सकते हैं उसको। मान लीजिए कि आप एक टाइप का वाटर सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं तो 15 दिन या फिर 20 दिन बाद आप चेंज करके देखिए, या फिर एक हफ्ता बाद चेंज करके उसको दो मतलब वाटर सैनिटाइजर आप चेंज करके दीजिए, जाके उसका जो बॉडी है उसके साथ ढल जाए। क्योंकि आप अगर एक टाइप का वाटर सैनिटाइजर इसमें इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो इससे उसका जो लाभ होना है नहीं होगा। तो दोस्त, मैं इसी के साथ समाप्त करता हूँ ये वाला वीडियो। वीडियो अच्छा लगने पर प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जाके हर पोल्ट्री फार्म वाले को मेरा सूचना मिल सके, उसका लाभ हो सके। अगर मेरे चैनल पर कोई नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, जाके हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जय हिंद।